हेलो गवाच व्लॉग, मेरा नाम करमवीर है और मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। और अभी मैंने साइकिल यात्रा स्टार्ट की है कश्मीर टू कन्याकुमारी। जी अज असी आ रहे थे एक शूट करके तो रस्ते च आपां नूं भाजी मिले ढिल्लो भाजी अपने हरियाणे दे वीर आ। अपने भाजी ले तो के आए आ साइकिल ते टूर कढ़िया भाजी ने। असी तां लास्ट मंथ गए सीगे बाइक्स ते उह तां सानूं ईजी सीगा, चलो बाइक सीगी मोटर लगी सीगी, इह तां लत्तां दे जोर ते अपने ते बाकी तुहानूं भाजी दस्सणगे। हैलो व्हाट्सएप लोग, थैंक यू। मेरा नाम करमवीर है और मैं अभी ले से आ रहा हूँ कन्याकुमारी के लिए। और मेरे को यहाँ से अभी तक 8 दिन लगे यहाँ तक आने में। और जैसे रास्ते के अंदर आपको पता है, आप बाइक से जाके आए हो वहाँ पे, रास्ते में थोड़ी आती हैं परेशानियाँ, लेकिन उनको जैसे तैसे करके हैंडल करके आप यहाँ तक आ पहुँचे। और अभी टारगेट हमारा कन्याकुमारी पहुँचने का कम से कम 45 डेज में। जी कहाँ से आए हो मतलब भाई आप? मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ और अभी इसके लिए अवेयरनेस फॉर नेचर के लिए यहाँ पे निकला हुआ था। और रास्ते में ट्री प्लांटेशन के बारे में लोगों को बताता हुआ आ रहा था। और घर से भी तब मैं चला था, तब 1000 प्लांटेशन करके तब निकले थे घर से। उसके बाद हर अपने जन्मदिन के ऊपर 2 या 5 पेड़ लगाते हैं और उनकी केयर की पूरी जवाबदारी रहती है। हमारे पूरे गाँव में ऐसे ही चला हुआ है भाजी। अपने इन्वायरमेंट में बहुत मद्देनज़र रखते हुए थे अपना, थोड़ा नाल दस दे आते भी पेड़ लगाओ सारा कुछ करो। तो भाजी आप मतलब इधरों तुम हम वापस आ रहे ले तो है ना, इतने तक आते आप मतलब किदा राह कुछ किदा का रहा कि नहीं? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यार, जगह लोगों ने सहयोग किया है। अभी पुलिस वाले हुए, J&K पुलिस हुई, रास्ते में हर जगह सहयोग किया और आराम से कैंपिंग वगैरह करते हुए हम तक पहुँच गए। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके भाई, थैंक यू।